वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने काले चने की चाट। काले चने की चाट बनाना बहुत ही आसान है। ये एक हेल्दी रेसिपी है, ये आपके और आपके बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो प्लीज़ मेरे कहने पे आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, हमने सब काले चने की चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक चम्मच देसी घी लेना है। देसी घी, ये देखें, हमने एक चम्मच देसी घी लेना है और घी को हमने गर्म करना है अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा हमने बिना क्रश किए ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा बिल्कुल मिक्स करना है। काले चने सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। काले चने की चाट इतने मज़े की बनी कि आप इसको एक बार बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। ये देखें, ये ज़ीरा हो चुका है। अब ये हमने एक कप काले चने लिए हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से पहले। अब इनको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपके बच्चे अगर कमज़ोर हैं तो आप इनको खिलाएंगे तो आपके बच्चे एकदम सेहतमंद हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, हमारे चने देखें। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारे चैनल को लाइक करते हैं और हमारी वीडियोस को देख के आप हमारी वीडियोस को ट्राई करते हैं कि हमारी वीडियोस ठीक से बनती हैं या नहीं। अब इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें काले चने, आपके बच्चे इतने, अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खाते तो आप उनको काले चने की चाट बना के दिया करें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक लिया हमने हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च लिया हमने हाफ टेबल स्पून, रेड मिर्च लिया हमने हाफ टी स्पून। इन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले डाल के हमने एक दो मिनट के लिए रोस्ट करना है। हमारे मसाले जो हैं, ये देखें, इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं अच्छी तरह से। आपको नीचे इसका पानी नज़र। अब ये हमारे पास प्याज है, एक अदद प्याज लिया है हमने, इसको हमने ब्रीक चॉप कट कर लिया है। ये देखें, प्याज हमने इसके अंदर ऐड करना है। प्याज आप जिस भी शेप का काट लेंगे उसमें बात होती है। ये हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसके अंदर टमाटर हमने ऐड कर देना है। ये हमने तीन अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसको हमने ऐड कर लेना है। उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। काली मिर्च, हरी मिर्ची अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं। चने की चाट इतनी मज़े की बनती है कि जो आप इसको एक बार बनाएंगे और बार बार ये मैंने आज अपने पापा की फरमाइश पे बनाई है। मेरे पापा को ये बहुत पसंद है और पापा मुझे रोज़ रोज़ कहते हैं कि ये बनाओ, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। काले चने की चाट इतनी मज़े की बनेगी कि आपके घर में जो भी खाएगा वो आपको दोबारा बनाने के लिए कहेगा। ये इतनी मज़े की बनेगी, आप देख सकते हैं इसकी लुक अभी से, ये इतनी मज़े की लग रही है। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, आपके मुँह में भी आ रहा होगा। सब्जियों को हमने नरम होने तक पकाना है। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी तो हमारे मुंह में आके अच्छी तरह से चबाई जाएगी। देख सकते हैं आप इसकी फाइनल। देखो माशाल्लाह, हमारी चाट बनकर तैयार हो रही है। ये अब हमने धनिया लिया है, धनिया को हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। धनिया हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हर जगह बढ़ जाए। चने की चाट बनाना आपको बहुत आसान है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल रहे हैं। ये देखें, अब हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको एक मिनट मिक्स कर लेना अच्छी तरह से।
देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार चाट काले चने की तैयार हो चुकी है। आप इसके ऊपर नींबू छिड़क के और चाट मसाला छिड़क के इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।